एक ऐसा मुस्लिम हुक्मरान जिसने चंद सालों में आधी दुनिया को फतह कर लिया था। ये वही तैमूर है जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, वो हर जंग में फतायाब हुआ। ये इतिहास है उस तैमूर का जो सिर्फ 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गया। एक ऐसा फातह जिसने जमीनों को फतह किया तो मौरखीन ने उसे चंगेज खान से बड़ा जंगजू करार दिया। बाज मौरखीन तैमूर को जालिम बादशाह बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ तारीखी किताबों में उसे एक अजीम और शान मुस्लिम बादशाह बताया गया है जिसने अपनी बहादुरी और अकलमंदी से आधी दुनिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। ये वही तैमूर है जिसने हिंदुस्तान के बादशाहों को उनके घर में घुसकर शिकस्त दी। अमीर तैमूर से ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमान भी खौफ खाया करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी दुनिया फतह करने के ख्वाब के बीच जो आया उसने उसको कुचल दिया। इसी तैमूर की नस्ल से हमें बाबर और औरंगजेब आलमगीर जैसे अजीम बादशाह मिले। सुल्तान शुजाउद्दीन तैमूर जिसे सैफुल इस्लाम यानी इस्लाम की तलवार कहा जाता है। तैमूर को खानदान अहले बैत से बेहद मोहब्बत थी जिसके चलते वो हर साल करबला जाया करता था, लेकिन तैमूर पर लाखों मुसलमानों के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। जहां मौरखीन लिखते हैं कि वो जब किसी भी जगह को फतह करता तो वहां के लोगों की खोपी का पहाड़ बना दिया करता था। तैमूर के सामने बड़ी बड़ी सल्तनतों ने घुटने टेक दिए। इस सीरीज में आप जानेंगे अमीर तैमूर की वो दास्तान जो उसने खुद बयान की।